पर भी क्या कमल खिला पाएंगे या फिर 5 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा आप लोगों को? देखिए आपको बता दें कि हमने उत्तर प्रदेश में काम किया, कोरोना का संक्रमण में जब प्रवासी दिल्ली से और बंबई से भगाए गए थे, तो हमारे उस संक्रमण काल में जिस तरह से योगी जी की सरकार ने काम किया, जिस तरह से उन्हें यहाँ लाया गया सैनिटाइज बसों से, उनकी व्यवस्था की गई, उसे सेवा सत्कार किया गया, पैसा दिया गया, भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था की गई, निश्चित तौर पर लोगों को आपके पास लौटूंगी सर। फिलहाल तस्वीरें कुछ दर्शकों को दिखा देते हैं। इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार से बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें, किस तरीके से जेडीयू ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जश्न जो है फिलहाल यहां पर मनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कैसे ढोल भी यहां पर बजते हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मेहमानों के पास भी हम चलते हैं। नाहिद के पास फिलहाल हम चलते हैं। नाहिद, मल्हनी सीट जहां पर ऑलरेडी आप लोग काबिज थे, लेकिन अब जो है वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जो है अच्छी बढ़त बनाते हुए चल रहे हैं, कहां पर चूक रह गई है? देखिए अभी आपका नाम क्या है? शिल्पा। अच्छा शिल्पा, देखिए शिल्पा अभी कुछ भी कहना इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी लड़ाई लंबी है और अभी शाम तक की स्थिति क्लियर होगी। अभी आपके संवाददाता खुद जौनपुर से बता रहे थे कि जो वहां के जो प्रत्याशी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके जो बक्से पहले खुले, चूंकि उन क्षेत्रों में उनका दबदबा ज्यादा था, उनका प्रभाव ज्यादा, स्थितियां बदलेंगी। नाइन जी, तो फिर आपको क्या लग रहा है, मल्हनी सीट की तो आप जीत रहे हैं फिर आपके हिसाब से, बाकी सीटों पर आपको क्या लग रहा है, बाकी सीट भी निकाल पाएंगे आप लोग? कम से कम बात तो कंप्लीट करने दे। नहीं नहीं, आप, मैं बीच में एक सवाल सिर्फ आपसे ऐड कर रही हूँ, एड ऑन उसके बाद आप बोलिए। ये बाद में ऐड करिए, स्काइप के थ्रू सुनाई नहीं देता है। ठीक ठीक ठीक, नाइन जी बोलिए। देखिए जिस तरह से आप ही के संवाददाता बता रहे हैं कि अब जैसे जैसे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स का किसी क्षेत्र में या किसी गांव में मोहल्ले में प्रभाव ज्यादा होता है, तो जब वहां के बक्से पहले खुल जाते हैं तो वोटिंग उनके पक्ष में दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे अन्य क्षेत्रों के बक्से खुलते हैं तो स्थिति और क्लियर होती है। ये मैं किसी भी प्रत्याशी के लिए कह रही हूँ, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के लिए कह रही हूँ, चाहे सपा के हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टी के हो। तो इसी प्रकार अभी जिस तरह जौनपुर की स्थिति आप देख रहे हैं, मैं आपको जो है पूरे विश्वास के साथ बता रही हूँ कि जौनपुर में सपा की जीत होगी। आप देखिएगा अभी आंकड़े तब्दील हो जाएंगे, दो बजे तक, 3 बजे तक स्थिति और क्लियर हो जाएगी। आपके खुद के संवाददाता बता रहे कि अब जो है जो निर्दलीय प्रत्याशी के जो वोट्स है और जो सपा के वोट है उनके बीच में अब अंतर कम होता जा रहा है, एक बात। ठीक, दूसरी बात आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो काउंटिंग हो रही है, चूंकि कोरोना काल में इलेक्शन हुआ है तो जो काउंटिंग हो रही है ये अभी काउंटिंग स्लो हो रही है। अभी हम सभी क्षेत्रों में 7वें 8वें 9वें राउंड की काउंटिंग हुई है, जबकि 35 या 8 राउंड काउंटिंग चलनी है, 28 राउंड काउंटिंग चलनी है, 35 या 38 राउंड की काउंटिंग चलनी है। अभी आप देखिए कि अभी कोरोना की वजह से सभी सतर्क है, चाहे काउंटिंग एजेंट्स हो, चाहे काउंटिंग कर्मचारी हो, यानी कि नाइन जी उम्मीदें बरकरार है अभी, जैसा कि आप कह रही हैं यहाँ पर, बेहतर है उम्मीद जो है वो रखनी भी चाहिए आप लोगों को। बहरहाल वापस मैं चर्चा में बढ़ूंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जो है दर्शकों को दे दें, नौगावा शादात सीट पर कांटे की टक्कर चल रही है। 9 राउंड की गिनती के बाद एसपी बीजेपी की कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। एसपी के जावेद आबदी 664 वोटों से आगे चल रहे हैं। 9 राउंड के बाद जावेद आबदी की अगर बात की जाए तो 18,757 वोट मिले हैं। बीजेपी की संगीता चौहान को 18,123 वोट यहां पर मिले हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कांटे की टक्कर क्या लग रहा है आगे के लिए, अभी क्या तस्वीर? देखिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अभी, 634 वोट से वो आगे चल रहे हैं। संगीता चौहान फिलहाल 634 वोट से पीछे हैं, बीजेपी की कैंडिडेट हैं। चेतन चौहान की सीट जब खाली थी तब उनको वहां से टिकट दिया गया था, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अभी फिलहाल 634 वोट से आगे जरूर चल रहे हैं, लेकिन उनको अभी ये अपनी बढ़त बनाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन 634 वोट का नहीं होता है। लेकिन अगर ये बढ़त बड़ी होती जाती है और 2000-3000 में तब्दील होती है, तब शायद समाजवादी पार्टी जिस तरह से आगे चल रही है सीट पर, वो अपनी बढ़त
बना लेगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल वाली खबर है, क्योंकि अभी जो एक रिजल्ट आया उसमें यह है कि 9 मतगणना चक्र जो है वो हो चुके हैं, जिसमें संगीता चौहान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको 18,123 वोट मिले हैं, मौलाना का जावेद आबदी जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं उनको 18,757 वोट मिले हैं, फुरकान अहमद जो बसपा के प्रत्याशी हैं इनको भी ठीक वोट कहा जा सकता है क्योंकि 13,251 वोट मिले हैं, डॉक्टर कमलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं 1,171।